अयोध्या में जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट की घटना सामने आई है, जहां जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई। इस मारपीट में 3 लोग काफी जख्मी हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि अयोध्या शहर के पूर्व एडीजे फैजाबाद के समधी और दामाद भाई पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना में घायल हुए पिता व उनके दो बेटे जिला अस्पताल में भर्ती हैं और पीड़ित का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की और वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि इस मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में मौजूद हो चुकी है, लेकिन पीड़ित व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। नहीं भी थी 6 महीना पहले 15 दिसंबर को इन्होंने रात में गिरा के गायब कर दिया ईटा, और उसके बाद पड़ी रही खुली हुई, उसी में कुर्सी लगा के बैठते हैं और इन लोग यानी कि मारने पीटने की धमकी देते हैं। और इतफाक से कोतवाल साहब आने वाले थे तो उसमें घास सांप करा रहे थे और इन लोग कूद के सब आए 6-7 लोग, मारना लाठी स्टिक और राड लेके आए, मारना शुरू कर दिया। हमें मारा, हमारे लड़के को हसीन मोहम्मद हसीन को मारा और मेरे लड़के हसीन नदीम मोहम्मद नदीम को मारा। बहुत राड़ी राड में कोई बचाने वाला नहीं मिला। हमें अंदर मारा, फिर टीन के नीचे मारा हमारे घर के अंदर, फिर उसके बाद यानी कि बाहर लुटा के मारा है। उससे महिला पूछ लीजिए, हमारे पास कोई औजार नहीं, कोई डंडा लाठी नहीं थी। इन लोगों ने बहुत मारा है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, सब फ्रैक्चर हो गई है। सर पे मारा, सर फट गया है, यहाँ मारा यहाँ घाव हो गया है और ये पीठ में, ये सब में बहुत घुसी चोट आई है, लाठी से डंडे से बहुत मारा, राख से मारा है। हम लोग को हैं शमशाद हैं, नौशाद हैं, रियाज हैं, चांद बाबू, लाल बाबू, उनका भांजा राशिद है, ये सब फरहान। अरे यही है कि हम तो जान से मार डालेंगे, धमकी देते हैं और मारने के लिए कब से लगे थे, मारा है इन लोगों ने 10:30 बजे का वाकया है ये। और कोतवाली में उसकी तहरीर दी है हमने, कोतवाली में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यही हम लोग की मांग है। जिसमें इन लोगों ने एकजुट होकर 6-8 लोगों ने लाठी डंडे रॉड से एकजुट होकर ये सब आए और मारने लगे। और हम लोग अपने घास वास साफ करा रहे थे, मगर इन लोगों ने एकजुट होकर मारना शुरू कर दिया लाठी राड डंडे से। इसमें हमें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, हमारे भाई को आई हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, हमारे पिताजी को आई है जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया और सर में आई है, उनके टाके लगे हैं और हमारा पैर भी फ्रैक्चर है इसमें। और इसमें अब तक कोई 24 घंटा बीत गया है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब हम तो सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तारी की जाए इनकी और इनकी नदीम। निवेदन है कि वह जल्द से जल्द यहाँ से इन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ की जाए, जिससे कि मेरा पीड़ित परिवार बिना भय के अपना जीवन व्यापन कर सके। इससे पहले मेरी दीवार 156-3 इन्होंने मेरी दीवार यहाँ से एक तरफ की चारों तरफ बाउंड्री मेरी हुई है, मेरे कब्जे में है, मेरे कब्जे में चली जा रही थी। इससे पहले 15 दिसंबर 2020 में इन्होंने मेरे पीछे पूरा शहर की बाउंड्री पूरी तोड़ के काट के गिरा के सब लूट ले गए, ईंटें वो सब यहाँ से लूट ले गए। उसका केस यहाँ से मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा नंबर 0868 है जो कि 156-3 इनके ऊपर काफ़ी धाराएं चल रही हैं, काफ़ी धाराओं में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 156-3 भी इन लोग के ऊपर चल रहा है। इससे पहले भी यहाँ से उन्होंने कब्जे की कोशिश की और यहाँ से पूरे ज़मीन पर कब्जा अपना दिखाना चाह रहे हैं और मारपीट करके कब्जा करना चाह रहे हैं और गंभीर धाराओं में इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके भी पहले यहाँ से इन्होंने एक बार यहाँ से वो दीवार तोड़ने की कोशिश की मेरी, उसका भी मुकदमा 427 लिखा गया है जो कि वहाँ उसका मुकदमा 427 दर्ज है, वो न्यायालय में दर्ज है। उसका मुकदमा नंबर 173/12 है, सन 2012 में भी वही यहाँ से 2020 में भी वही दीवार यहाँ से पूरी तोड़ के और लूट ले गए कब्जा करने की नियत से। वो लोग रिजवान शमशाद नौशाद रियाज चांद बाबू लाल बाबू व उनका भांजा राशिद फरहान
ये सब यहाँ से ये गुंडे बदमाश यहाँ से ये 7 लोग ने हमला किया लाठी डंडे से, वीडियो में है, वीडियो यहाँ से प्रशासन देख सकता है क्योंकि वहाँ सारे मेरे कब्जे में है, सारे कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे और वो कैमरे की जितनी भी रिकॉर्डिंग है मैं आप लोग को प्रशासन तक आप लोग पहुँचाइए दीजिए कि इनके खिलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और ये 2 केस इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, 156(3) चल रहा है, उसमें गंभीर धारा 7-8 धारा इनके ऊपर लगी हुई है, उसकी यहाँ से तफ्तीश चल रही है, उसी की रंजिश में यहाँ से उसी से वो करके हम लोग के ऊपर दोबारा अटैक है, 3 बार अटैक यहाँ से हम लोग कर चुके हैं, 3 मुकदमे यहाँ से कर चुके हैं। हम लोग पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फर्जी बैनामा लिया है, ये लिया है, वो लिया है, हम लोग कागज़ दिखाने के हर समय प्रशासन बुलाएगा, सारे कागज लेके हम लोग वहाँ हाजिर होंगे। प्रशासन ने प्रशासन से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई हम मेरी मदद नहीं पहुँची है, अभी प्रशासन नहीं कर रहा है। मैं तो चाहता प्रशासन यहाँ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और यहाँ से कहीं भी जल्द कागज, वो बोलता है कि कागज़ नहीं है हम लोग पास, कोई भी कागज़ की बैनामा ये सब कुछ मेरे पास है, बैनामा सब कुछ गम में वो है, सब जगह जाके खारिज है, लाइट बिजली पानी सब कुछ लगा हुआ है, आधे दूर में टीन सेट भी मेरा डला हुआ है, मेरा कब्जा है, मेरी कार खड़ी हुई है, मेरा गैराज है 2-3 दिन जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि आधे दूर में मेरी टीन सेट डली हुई है, पक्का कब्जा है मेरा यहाँ चला आ रहा है। अभी तो मेरी और कोतवाल साहब देख के गए हैं, चारों बाउंड्री का मुआयना करके गए हैं, पीछे की बाउंड्री तोड़ के गिरा दिया था अभी यहाँ से दिसंबर में, ये 15/12/2020 में पूरी बाउंड्री तोड़ के लूट ले गए हैं यहाँ से, उसमें 156(3) इनके खिलाफ यहाँ से दायर हुई है, उसकी विवेचना चल रही है, सारी नक्शा पास और यहाँ से नगर निगम के कागज जहाँ चढ़ी है वो। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।